देश में बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर काफी वक्त से बहस चल रही थी, जहां पीएम मोदी ने आखिरकार 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान कर दिया है और सरकार के इस फैसले को नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक सकारात्मक फैसला करार दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एम्स के सीनियर डॉक्टर संजय के रॉय ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इस फैसले को अनसाइंटिफिक यानी गैर वैज्ञानिक करार दिया है, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि इस फैसले पर अमल करने से पहले उन देशों के डेटा की स्टडी करनी चाहिए जहाँ पहले ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस करें तो पाएंगे कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के फायदे कम हैं और खतरे ज्यादा। आपको बता दें कि एम्स में बड़ों और बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर संजय इस ट्रायल में इन्वेस्टिगेटर हैं। पीएम ऑफिस को किए गए एक ट्वीट में डॉक्टर संजय ने लिखा है कि देश के प्रति निस्वार्थ सेवा और सही समय पर फैसले लेने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन इन बच्चों के वैक्सीनेशन पर उनके अनसाइंटिफिक फैसले से मैं निराश हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के माता पिता की चिंता खत्म होगी और कोरोना महामारी से लड़ाई में मदद मिलेगी। इस कदम से स्कूलों में सामान्य तरीके से पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी। इस पर डॉक्टर संजय ने कहा है कि किसी फैसले का कोई मकसद होना ही चाहिए। कोरोना वैक्सीन लगाने के पीछे इन्फेक्शन रोकना, बीमारी की गंभीरता या मौत का खतरा कम करने जैसा कोई मकसद होना चाहिए। वैक्सीन के बारे में हमें जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके मुताबिक वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में बहुत कारगर नहीं है। कई देशों में बूस्टर डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रोजाना इन्फेक्शन के 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि वैक्सीनेशन कोरोना के इन्फेक्शन को रोक पाने में सक्षम नहीं है। हालांकि वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को काफी हद तक कम कर देता है और मौत से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना के कारण वयस्कों का डेथ रेट 1.5% है, यानी 10 लाख आबादी में 15,000 मौतें हो सकती हैं। वैक्सीनेशन के जरिए हम 80 से 90% मौतों को रोक सकते हैं, यानी कि 13,000 से 14,000 मौतों को रोका जा सकता है। वैक्सीन लगने के बाद 10 लाख लोगों में से 10 या 15 लोगों में ही गंभीर साइड इफेक्ट दिखते हैं या मौत होती है। ऐसे में वयस्कों के लिए वैक्सीन फायदेमंद है। बच्चों के मामले में इन्फेक्शन की गंभीरता बहुत कम है और जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 10 लाख आबादी में सिर्फ 2 मौतें दर्ज की गई हैं। बच्चों के मामले में 15,000 मौतें नहीं हो रही हैं। अगर आप रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के फायदे कम हैं और खतरा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीन देने से हमारा कोई मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। तो दूसरी ओर अमेरिका सहित कुछ देशों में बच्चों को 4-5 महीने पहले वैक्सीन डोज देना शुरू किया गया था। इन देशों का आंकड़ा हमें देखना चाहिए और उसकी स्टडी करने के बाद तय करना चाहिए कि बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए या फिर नहीं। बल्कि कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर संजय की राय से अलग अपनी राय रखते हैं और वो केंद्र सरकार के 15 साल से 18 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के कदम का स्वागत करते हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।